Hello student, in this lecture we will continue our last topic of soil. In the previous videos we have discussed about the soil, its profile and the factor responsible for it. Today we will discuss about the top types of soils. Soils have different texture properties. If we talk about the ancient times, soil were classified into two types only. फर्स्ट इज उर्वरा एंड सेकेंड इज उसरा. उर्वरा जो सोइल थी उसे फर्टाइल सोइल के नाम से भी जाना जाता था, यानी फर्टाइल जो सोइल होती थी उसे उर्वरा बोलते थे और जो इनफर्टाइल सोइल होती थी उसे उसरा बोलते थे. सो सोइल वी कैन क्लासीफाई द सोइल इंटू 12 टाइप्स. दीज आर एलुवियल, ब्लैक, रेड, लेटराइट, येल्लो, एरिड, माउंटेन, फॉरेस्ट, एल्काइन, सेलाइन, मार्शी एंड पैटी. बट अकॉर्डिंग टू ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन सोइल आर कैटेगराइज्ड इनटू 8 मेजर टाइप्स. दीज आर एलुवियल सोइल, ब्लैक सोइल, रेड सोइल, लेटराइट सोइल, फॉरेस्ट माउंटेन सोइल, एरिड डेजर्ट सोइल, सेलाइन एल्काइन सोइल, पेटी मर्शी सोइल्स. लेट्स डिस्कस ऑल वन बाय वन. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द एलुवियल सोइल. एलुवियल सोइल इज मोस्ट फर्टाइल सोइल एंड इट कवर द लार्जेस्ट एरिया ऑफ अवर एग्रीकल्चर. इन अवर नॉर्दर्न प्लेन एलुवियल सोइल इज फाउंड. मोस्ट इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोइल एंड वन ऑफ द फर्टाइल सोइल इन ऑल सोइल ग्रुप्स. नेक्स्ट इज ब्लैक सोइल. ब्लैक सोइल जो है इसको रिगर सोइल के नाम से भी जानते हैं और ये कॉटन की क्रॉप के लिए बेस्ट है. जो कॉटन की क्रॉप है वो ब्लैक सोइल में ज़्यादा ग्रो करती है और इसके जो एरियाज हैं वो महाराष्ट्र, गुजरात. आपने देखा भी होगा महाराष्ट्र और गुजरात में ज़्यादातर कॉटन की टेक्सटाइल हैं, वो इसी वजह से हैं. देन ये बहुत ही फर्टाइल है और इस ये मॉइस्चर को अपने अंदर रिजर्व कर लेती है, यानी रिटेंटिव है मॉइस्चर, यानी ये मॉइस्चर को कंट्रोल करके रखती है. देन इसका एक और क्वालिटी क्या है, ये जो सोइल है वो लावा के कूल डाउन सोलिडिफिकेशन होने से बनी है और जिसमें डेकन प्लेटूज में जो वोल्केनोज हैं उनसे जो लावा निकला है उनके सोलिडिफिकेशन से ब्लैक सोइल बनी हुई है. नेक्स्ट इज रेड सोइल. रेड सोइल फॉर्म्ड ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ एंशियंट क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. रेड सोइल जो है ये वेदरिंग इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक के वेदरिंग की वजह से बनी है. और ये इसका कलर रेड क्यों होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा आयरन मिलता है. ज़्यादा परसेंटेज जो होती है इसकी आयरन की होती है. तो ये हर तरह की क्रॉप के लिए सुटेबल होती है, इसमें कोई स्पेसिफिक क्रॉप का नहीं है. नेक्स्ट लेटराइट सोइल. लेटराइट सोइल जो है दिस सोइल इज फॉर्म्ड ऑन द हिल स्लोप्स ड्यू टू द रिमूवल ऑफ टॉप सोइल बाय द रेन वाटर डाउन द स्लोप एंड दिस सोइल इज नॉट सो मच फर्टाइल फॉर्म्ड. और इसका क्या है, ये मीन्स की मेनली एरियाज कौन से हैं, ये विंध्याचल हिली एरियाज हैं, मालवा प्लेटू है. ठीक है, जो हिली एरियाज हैं उनमें हाँ लेटराइट सोइल मिलती है, ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती है तो इसका क्रॉप्स की प्रोडक्शन में कम यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट इज फॉरेस्ट माउंटेन सोइल. दीज सोइल्स फाउंड इन द मेनली इन द हिमालय रीजन एंड आर फॉर्म्ड ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द फॉरेस्ट ग्रोन एंड इट इज वेरी सुटेबल फॉर द टी प्लांटेशन. जो हमारी माउंटेन सोइल है ये आपने देखा भी होगा हिली एरियाज में ज़्यादा से ज़्यादा टी एंड कॉफ़ी की प्लांटेशन की जाती है. तो जो माउंटेन सोइल है या हमारी ये फॉरेस्ट सोइल है ये प्लांटेशन के लिए बहुत अच्छी है. नेक्स्ट इज एरिड डेजर्ट सोइल. ये जो एरिड डेजर्ट सोइल है ये ज़्यादातर डेजर्ट एरिया में ही पाए जाते हैं, जहाँ पे रेनफॉल बहुत ही कम होती है और टेम्परेचर हाई मिलता है. और इसमें क्या होता है, ये मॉइस्चर को
मॉइस्चर को इवेपोरेट, हाईली इवेपोरेशन होता है इसमें मॉइस्चर का, एंड जो इसमें होते हैं सॉल्ट कंटेंट भी होते हैं. सो इसलिए हम कह सकते हैं जो डेजर्ट सोइल है या एरिड सोइल है वो ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक कंटेंट नहीं होते हैं. नेक्स्ट इज सलाइन अल्कलाइन सोइल, दे आर ऑल्सो नोन एज उसरा सोइल, एंड ऑल अनफर्टाइल सोइल कम्स इन द उसरा ग्रुप. लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द उसरा सोइल, एंड दे आर लैक इन नाइट्रोजन एंड कैल्शियम एंड हैविंग द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ सोल्ट. दैट्स वाई वी कैन से द सलाइन एज पर इट्स नेम ऑल्सो इंडिकेट द नेचर ऑफ द सोइल इज सोल्टी. सो वी कैन से कि जो सलाइन अल्कलाइन सोइल हैं वो ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती क्योंकि इनमें सोल्ट मटीरियल होता है, एंड ये ज़्यादातर उन एरियाज़ में पाए जाते हैं जो ड्राई एरियाज़ होते हैं जहाँ पे इरिगेशन सोल्टी वाटर से बार बार की जाती है, ओवर इरिगेशन की जाती है, तो इनका नेचर क्या हो जाता है, सोल्टी हो जाता है. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट देयर एरियाज़, इनके एरियाज़ हैं अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक एंड सम पार्ट ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र. तो सलाइन के ये एरियाज़ हो गए हैं. नेक्स्ट हम करेंगे पैटी सोइल, पैटी मार्शी सोइल. दिस सोइल हैव सम लोकल नेम्स लाइक सलाइन एंड अल्कलाइंस. इनके ये कुछ लोकल नेमों से भी जानी जाती है, और ये नॉर्मली क्या होती है, ब्लैक कलर की पाई जाती है, और इसमें जो मॉइस्चर रिटेन की जो इसकी कैपेसिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, और इसका यूज़ ज़्यादातर हॉर्टिकल्चर में किया जाता है, मीन्स गार्डनिंग में हम इसका यूज़ करते हैं. दिस सोइल आर रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक कंटेंट, काफ़ी अच्छी होती है, इसमें ह्यूमस होता है, ऑर्गेनिक कंटेंट होते हैं, बट दे आर एसिडिक इन नेचर. तो हम ये कह सकते हैं थोड़ा एसिड है इसके, इसमें तो फर्टाइल ज़्यादा नहीं है, लेस फर्टाइल है. सो इसके एरियाज़ हैं बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु एंड सब ट्रॉपिक एरियाज़ में पैटी सोइल पाई जाती है, और ये हमारी पैटी सोइल हो गई. नाउ स्टूडेंट, आई हैव कवर्ड द ऑल सब टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. काइंडली लेट मी नो इफ एनीथिंग मोर यू वांट टू नो अबाउट दिस टॉपिक. And the topic name was weather and soil formation. Do not forget to like and subscribe my channel, and for more videos. Thank you very much.